8:13 में लिखे है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। अब आ गया, सबसे पहले हम आत्मा की अगुवाई मान ले, कितनी जरूरी है, हमने सीख लिया नंबर एक। अब आपको पता है आत्मा की अगुवाई चलने से, दूसरा नंबर पे आना है, आत्मा की अगुवाई चलने से शरीर आपको पता है रोकता है, तो शरीर से कैसे जीतना है, क्योंकि शरीर आत्मा की आवाज सुनने से अगुवाई के लिए हमें रुकावट बनता है। क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के अनुसार चल के ही हम देह की क्रियाओं को मार सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के हम देह की इच्छाओं से मर नहीं सकते, शरीर की इच्छाओं से मर नहीं सकते। पवित्र आत्मा ही है जो हमें शरीर की इच्छाओं को मरने के लिए कायल करता है, हिलाता है हमें शारीरिक इच्छा को पूरा ना करने के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोध में। अगर तुम आत्मिक दशा में चलोगे तुम शरीर की इच्छा नहीं पूरी कर पाओगे। मतलब तो प्रेयर करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता और एक पाप करने वाला व्यक्ति प्रेयर नहीं कर सकता। इसी तरह एक शारीरिक व्यक्ति आत्मा के आत्मिक इच्छा आत्मिक कामों को नहीं कर सकता, जो शारीरिक दशा में, वो प्रेयर नहीं कर सकता, सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकता, सामर्थ को नहीं प्रकट कर सकता, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो शारीरिक दशा में। पर जो आत्मिक दशा में, वो शरीर की इच्छा को नहीं पूरा करता। तो आत्मा के द्वारा ही हम देह की क्रियाओं को खत्म कर सकते हैं। तो जितने लोग कहते हैं कि मैं व्यभिचार से छूटना चाहता हूं, मैं नशे से छूटना चाहता हूं, मैं गंदे कामों से छूटना चाहता हूं, आपको चाहिए पवित्र आत्मा। छूटने की कोशिश से अच्छा ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरें अपने आप को। जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा, आप में वास करेगा, आप शरीर की इच्छा को पूरा ही ना कर पाओगे, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुस्से से बचने के लिए जोर कोशिश मत करो, झूठ बोलने से रोकने की कोशिश मत करो, पाप करने से बचने की कोशिश मत करो, आत्मा की अगुवाई से चलने की कोशिश करो, शरीर की इच्छाएं खुद ब खुद मिट जाएंगी आपकी लाइफ से। हालेलुया। जिनसे आप, क्योंकि आप एक दूसरे से युद्ध करती हैं, अगर हम इसे और अच्छी तरीके से जानना चाहते तो आगे वचन को पढ़ेंगे। ओके, मैं कहता हूं गलातियां 5:16-17, मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना कर पाओगे। गलातियां ने और अच्छा लिखा है, कहता है मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा ना कर पाओगे, शरीर की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे। परमेश्वर सबसे अधिक जे चाहते आप आत्मा की अगुवाई में चलो, और ये भी वचन वही कह रहा है, तो अगर तुम आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो तुम शरीर की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे, मतलब प्रभु खुश हो जाएगा तेरी लाइफ से। तुम शरीर की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे, क्यों ना कर पाओगे? ओके, आगे पढ़ेंगे 17 आयत, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। जैसे पौलुस कहता है जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है, जो अच्छा काम करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, जो बुरा काम नहीं करना चाहता वो मुझसे हो ही जा रहा है। इसका मतलब शरीर विरोध में, आपका जो आत्मा अंदर चाहता है, आत्मा चाहता है मैं लगातार चर्च जाऊं, आत्मा चाहता है मैं लोगों को वचन सुनाऊं, आत्मा चाहता है कि मैं रोज बाइबल पढ़ूं, मैं उपवास रखूं, आत्मा चाहता है मैं वर्शिप करूं, आत्मा चाहता है मैं भी भवन में सेवा करूं, पर शारीरिक हालात आपको बांधे हुए जो ये करने नहीं दे रहे। कहते शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में एक दूसरे में लालसा करते हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। साफ साफ बाइबल में कहा ये एक दूसरे के विरोधी, शरीर आत्मा के विरोध में, ये रोकेगा आपको। इसीलिए जब मैं फायर प्रेयर करता हूं तो मैं कहता हूं ये शैतानी योजनाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, कैच फायर, शारीरिक अभिलाषा को भी फायर देता हूं और शैतानी योजना को भी फायर देता हूं। इन शरीर की अभिलाषा को, दाऊद ने क्या नहीं बोला, ऐ मेरे मन प्रभु की आराधना कर, ऐ मेरे मन को हुक्म दिया, मन को हुक्म दिया ऐ मेरे मन, क्योंकि ये शरीर की अभिलाषाएं, उसे हुक्म दिया, क्योंकि अगर हमारे मुंह में पावर है हम किसी चीज को भी हुक्म दे सकते हैं, ये साउंड ना चले, ये रुक जाए, ये वो रुक जाए, शैतान। तो उसने, दाऊद ने कहां यूज किया, शैतान के खिलाफ तो हम करते ही हैं, दाऊद ने कहा ए मेरे मुंह चल प्रभु की आराधना कर, चुप करके बैठा सुवेरदा वासिया हमारी अन्ना, चल प्रभु की आराधना कर। तो आप अगर ऐसे शरीर को भी हुक्म दे, शरीर भी धक्के से है ना बाइबल उठाना शुरू कर देगा। यूज तो करो अपने अधिकार को, हालेलुया, ये तो समझो मैं अधिकार प्राप्त हूं। आप कहते हो ये मैं तो पासी प्रेयर नहीं हुंदी, दबका मारो ना एक बार शरीर नू,
बैठोगे देखते गुडे टेक के तुसी हालेलुया देखो तुहाडे शब्दां च किन्नी पावर है तुसी मसीह दे द्वारा अभिषेक किए गए इसीलिए आत्मा एक दूसरे के विरोध में आपको आत्मिक हथियार यूज करने ये उसका वचन है ये एक दूसरे के विरोधी है इसलिए जो तुम करना चाहो वह ना कर पाओ ये एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो ना कर पाओ मतलब अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आत्मा शरीर के विरोध हो जाएगा शरीर कर नहीं पाएगा जो करना चाहता है शरीर गंदा देखना नहीं देख नहीं पाएगा शरीर झूठ नहीं बोल पाएगा शरीर गाली नहीं निकाल पाएगा शरीर गुस्सा नहीं कर पाएगा क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो ये उसके विरोध में ता जब वो ना कर पाए शरीर कुछ कर नहीं पाएगा अगर शारीरिक दशा में चल रहे हो तो शरीर आत्मा के विरोध हो जाएगा आपको वो प्रेयर नहीं करने देगा रोजे नहीं रखने देगा शरीर खाई जाओ रोजे नहीं रखने देगा बोली जाओ इनू मुँह पवित्र नहीं होने देगा अन्य भाषा ना पर नहीं देगा सब तो वड्डी रुकावट लोगों की अन्य भाषा च ना बोलन की प्रेयर की वो उन्होंने मुँह के गंदे शब्द नाश करने वाले दुख देने वाले शब्द गालियां वाले शब्द लड़ाई झगड़े वाले शब्द अगर ये मुँह इन्ना शुद्ध है तो कितना पवित्र भाषा है मुँह के अंदर आएगी तो इसीलिए आपको पवित्र बनना है आत्मिक तरीके से चलना है क्योंकि एक दूसरे को ये रोकते हैं ये एक युद्ध है हालेलुया और ये वचन अगर आप समझ गए अपनी लाइफ में ये सबसे बड़ा टॉपिक बन गया आपका सारे टॉपिक्स आपके बेबी चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे चंगाई मुझे छुटकारा मुझे ब्लेसिंग अगर ये आपका टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक बन गया कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं आत्मा की अगुवाही में चलूं तो सब कुछ आपकी लाइफ में अद्भुत होने शुरू हो जाएगा इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो मैं ना कर पाओ ओके आगे बढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है जो जय पाए 21 की 7 में लिखा है जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा क्या जो जय पाए अब एक और शरीर है एक और आत्मा है कौन जीत पाता है उसको प्रभु पुत्र बना के यूज करेगा उसको प्रभु मसा करके यूज करेगा उसको प्रभु वारिस बनाएगा मतलब जो कुछ परमेश्वर का है वो उसको उसे देगा उसका वारिस बनाएगा जो जय पाएगा पर जो जय ना पाएगा वो मेरे सामने से निकाल दिया जाएगा कहता है जैसे आम संसार का माता पिता भी अगर एक बच्चा पाप में है उसे वो निकाल देता है घर में बार बार अनाज्ञाकारी करे घर से निकाल देते हैं अखबार में निकाल देते हैं हमें इसे बेदखल कर दिया क्योंकि ये कहने में नहीं है ये आत्मा की ये मेरी अगुवाई में नहीं है इसी तरह परमेश्वर कहते हैं पर जो जीत पाता है अपनी अभिलाषा पर उसको बाप ऊंचा करता है उसको जायदाद देता है इसी तरह जो जय पाए आपको आत्मा के अनुसार चल के शरीर की इच्छा को खत्म करना है आपको आत्मिक क्रियाओं में रह के खत्म करनी है शरीर की इच्छाएं ओके आगे पढ़ेंगे हम रोमियो 8:11 यदि उस आत्मा ने जिसने यीशु को मरे हुए में से जी लाया तुम में वसा है तो मसीह जो मरे हुए में से जी लाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वसा है जिलाएगा जो आत्मा तुम में वसा है मतलब आत्मा हम में वसा है तुम्हारे वो मरे मुर्दा शरीर को जिलाएगा मरी हुई देह जो पाप के कारण मरी हुई है उन्हें जिलाएगा उन्हें जीवित करेगा आदम अब शरीर में तो जीवित थे पर वो आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति में मर चुके थे कहता जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा हवा ने फल तोड़ा खाया पर प्रभु ने कहा था नहीं खाना जिस दिन खाओगे तुम मरोगे और वो मरे डेथ आई आत्मा में शरीर में हालेलुया तो इसी तरीके से कहता जब तुम में वसा है मतलब यही चीज है अगर आत्मा आप में वसेगा तो वो आपकी हर मर मुर्दा शरीर के हर मुर्दा अंग को जिंदा कर देगा हर एक्स्ट्रा चीज को आपकी लाइफ से भगा देगा क्योंकि वो आप में बसा है वो रसौलियों को बाहर फेंक देगा वो पत्थरियों को बाहर फेंक देगा वो आपकी हड्डियों को बल दे देगा वो दुष्ट आत्मा को अंदर से भगा देगा अगर वो तुम में बसा है कहता है बसा है इसलिए बसने देना है पवित्र आत्मा को अपने अंदर और शारीरिक इच्छाओं को दूर करके बसने के नहीं बस भूख रखो प्यास रखो खोजो प्रेयर वचन रोजे लगातार संगति आत्मिक वजन कीर्तन आत्मिक क्रियाएं लगातार उन आत्मिक चीजों में रहो आत्मा की खुराक उसे दो रोज प्रतिदिन का रोटी रिसीव करो पहले तुम्हें आज के लिए प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे आज के लिए आज की फायर दे आज के लिए आज का अभिषेक दे
वर्शिप करते हुए, अन्य भाषा में प्रेयर करते हुए, फायर प्रेयर करते हुए, रिसीव करते हुए, आत्मा से भरते हुए, आज की फायर दे। फिर उस आत्मिक फायर को अपने सेवा के कामों में यूज करो। तो इसीलिए अगर वो तुम में वस है, आगे लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब अर्थात वह सत्य का आत्मा आएगा, तो आत्मा, जब आत्मा की अगुवाई आपकी लाइफ में होगी तो क्या होगा आपकी लाइफ में? जब आत्मा की अगुवाई से आप चलना शुरू होंगे तो क्या होगा? कहता जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। नंबर एक, आपको सत्य का मार्ग बताना शुरू कर देगा पवित्र आत्मा, सत्य का मार्ग। आपको पता नहीं लगता ये झूठ है, मैं कौन सा रास्ता चुनूं, आप गलत रास्ते पर चले जाते हो, गलत संसार के ईश्वरों को मानना शुरू कर देते हो। बाद में आपको आंखें खुलती है चर्च आके, अरे ये तो मैं मूर्ति पूजा कर रहा था, ये तो मैं परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा था, मैं बारी चढ़ावे चढ़ा रहा था, बारी दिखावे से भक्ति कर रहा था, पर अंदर तो मैं पाप से भरा होता, पर जब चर्च में आया पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और टच किया, मेरे पाप मेरे सामने आ गए और मुझे शर्मिंदगी हुई, मैं तो एक पापी हूं और मुझे यीशु की जरूरत है। और इसी पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। याद रखो, जब आपको, आपने ये फैसला कर लिया यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। जब आपके अंदर ये, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना यीशु को कोई प्रभु नहीं कह सकता। जब तक आप शक है आपके अंदर, तब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। जब आपके अंदर आ गया कि यीशु ही प्रभु है, वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, जी उठा, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, आज से मैं अपना, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा परमेश्वर है। जब आपने ये फैसला दिल से कर लिया, अंदर से आया, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं कह सकते यीशु को प्रभु। और जो कुछ सुनेगा कहता है वही कहेगा, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, और क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। दूसरी बात, आने वाली बातें वो आपको बताएगा। पहले वो सत्य का मार्ग आपको बताएगा कि सच्चाई क्या है दुनिया में। भाई उनके सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज लोग आज तक दुखों से क्यों नहीं आजाद हो रहे, बंधनों से, दुष्टात्मा से? क्योंकि सत्य को अभी तक उन्होंने पहचाना नहीं, जाना नहीं है, समझा नहीं है। और वो तुझे सत्य का मार्ग बताएगा पवित्र आत्मा। एक ही चीज है एक मसीहत को जो बाकी धर्मों से अलग करती है, वो कौन सी चीज? यीशु के मर के जी उठने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा देना। क्योंकि लोगों के पास सब जगहों में पवित्र आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र एक सहायक नहीं है जो अंदर आता है, वो वास करता है, अंदर आता है, वो स्वर्ग वाला, वो आसमान में नहीं, कि अब परमेश्वर इतना नजदीक है कि हम हाथ बढ़ा के उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भर सकते हैं उससे, उसके उसको महसूस कर सकते हैं। यही चीज एक पवित्र आत्मा है जो सत्य का मार्ग दिखाता है। तो लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए, ये परमेश्वर का आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए जो सत्य का मार्ग बताए, और जो कुछ मैं सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मतलब पवित्र आत्मा गाइड करेगा आने वाली बातें, कि ये होने वाला है, ये करना है तुझे, आने वाली बातें तुझे एडवांस में सिखाएगा। मतलब आप मतलब किसी का पार्टनरशिप में हो, बिजनेस में आपको प्लान आया, आपको क्या कह रहे हैं, आप बिजनेस शुरू कर दे, या यार तू पाप, या यार मैं पाना। आप कहते प्रभु धन्यवाद, मैं सोचता सी हेल्पर आ जावे, हेल्पर आ जावे, हेल्पर आ गया, धन्यवाद ईश्वर मदद कर ले। पर अचानक से आपको विजन आया आत्मा में, आपने ऐसे विजन देखा आत्मा में, आत्मा ने अंदर आपको विवेक, आपको मुझे अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा अंदर से, ऐसे भी आप जान पाते पवित्र आत्मा की आवाज है कि मुझे अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा इसमें, मुझे डर डर सा, मतलब एक तो डर शैतानी होता है, मुझे गुड फील नहीं हो रहा है इसके विषय में, आत्मा अंदर से बता रहा है, समझ पाते हो आप? और आत्मा ने बताया नहीं, आपको देखा 2 साल बाद ये तुझे धोखा देने वाला है, तुझे फंसाने वाला है, तुझे लूटने वाला है। जैसे पतरस बैठा, सब लोग प्रेरितों के काम में, सब लोग अपने जमीनों को बेचा, उन्होंने जो भी आता था उनके प्रेरितों के कदमों में रख देते। हन्ना सफीरा आए, कहते हमने जमीन बेची है जी, आलो जी सारा कुछ खोल के आप जमीन, सारा कुछ आप बड़ा आत्मिक शो कर रहे थे अपने आप। पतरस को विजन आया, पतरस ने देख लिया जहां वो ऐसे जमीन बेच रहे थे, छुपा के रख रहे थे धन, उसने आत्मा में देख लिया उसे। पतरस ने सीधा पूछा, क्या तूने इतने में बेची? कहता हां जी,
पतरस ने सीधा बोल दिया, देखा नहीं था, आत्मा में देख लिया उसे, तूने पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोला, वहीं डेथ होगी उसकी। पत्नी आई, उसने भी सेम सहमति बनाई थी, हम ऐसे बोलेंगे, उसकी भी डेथ होगी वहीं पर। क्यों? उसने विजन में देख लिया, उसने पतरस ने आने वाली बात को देख लिया, बीती बात को देख लिया कि उन्होंने ऐसा किया। आत्मा आइज को आपके ऐसे खोल देता है, आप देख पाओगे हर दिशा में, आप धोखा नहीं खाओगे, आप फेलियर नहीं देखोगे, आप डिले को नहीं देखोगे, आप असफलता को नहीं देखोगे, क्योंकि आत्मा में आप उन चीजों को देख पा रहे होंगे जो आपको करनी है। हालेलुया। आत्मिक आइज, आत्मिक आंखों को प्राप्त करना आज शिक्षा है, क्योंकि आज मेरा, आज पवित्र आत्मा यही चाहता है कि हम सीखे इसे अधिकता से। ओके, वो सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, जो कुछ पिता से सुनेगा वही कहेगा। इसीलिए पिता ये चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, क्योंकि पवित्र आत्मा जो भी कुछ भी पिता से सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है। अब उसने एक रिलेशनशिप बना ली है परमेश्वर से, एक विचोलगिरी के द्वारा आप एक इंसान से रिलेशनशिप वो बनाना चाहता है, कायम करना चाहता है। आने ओके, आगे बढ़ेंगे हम। रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। और आत्मा के द्वारा क्या होता है? आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला जाता है। आज लोगों के अंदर कोई प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। कई लोगों का ये प्रश्न होगा, पास्टर जी मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है, मैं कोई वचन पढ़ता हूँ रोना आ जाता है, कोई भजन सुनता हूँ रोना आ जाता है, कोई यीशु मसीह की कोई फिल्म देखता हूँ अंदर से रोना आ जाता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला जाता है, डाला गया है, और आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा उन चीजों में जब जब भी भरता हूँ, और मेरा जब पवित्र आत्मा से भरता हूँ, जब प्रभु के प्रेम को फील करता हूँ, ऐसे होता है, कहते ना जिदा पकड़ने ना बंदर, एक छोटा बच्चा रोंदा होंदा, वो अपन लाते नू घसी घुसी पै जानी, इनू पानी पुनी पिलाओ, समझ रहे ना, वो हालत हो जाती मेरी भी किसी वे। आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर का प्रेम साढ़े अंदर डालिया जाता, पवित्र आत्मा द्वारा ये प्रेम साढ़े अंदर डालिया जाता परमेश्वर का। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे गलातियां 5:22, पर आत्मा का फल, जब आत्मा की अगुवाई में आप चलते हो, पवित्र आत्मा आता है आपकी लाइफ में, तो आत्मा के फल आपकी लाइफ में आते हैं, फल आपकी लाइफ में आते हैं। तो जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में आएगा, उसके अंदर प्रेम आ जाएगा, उसके अंदर आनंद आ जाएगा, उसके अंदर मेल का आत्मा आ जाएगा, उसके अंदर धीरज आ जाएगा, चाहे उसे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो वो धीरज में खड़ा हो जाएगा, वो वेट करेगा। आगे लिखा है उसके अंदर कृपा आएगी, वो भलाई करेगा, वो विश्वास में मजबूत हो जाएगा, उसके अंदर हम्बलनेस आएगी, नम्रता आएगी, उसके अंदर संयम आ जाएगा। ऐसे ऐसे काम में कोई व्यवस्था नहीं है। और पहला जूना 3:24 में, और जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। कैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर में बना रहता है? जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें बना रहता है, और वह उसमें, हम जो उसकी आज्ञा को मानता है, मतलब आत्मा के बाद हमारे अंदर आते आत्मा के फल, जो उस फलों को यूज करता है, प्रेम में बना रहता है, आनंद में बना रहता है, विश्वास में बना रहता है, धीरज में बना रहता है, नम्रता में बना रहता है, घमंड नहीं करता, सहनशीलता में बना रहता है, कोई उसे कितना भी सता रहा है वो सह रहा है, पर उल्ट के जवाब नहीं दे रहा, उल्ट के उसको दुख नहीं दे रहा। जब इसको मतलब आज्ञाकारी, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है तो आपके अंदर आत्मा के फल जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। मैंने लाइफ में बहुत बार देखा कि जब जब भी आत्मा ने टच करना, बढ़ाना, तो उसके बाद अचानक से ऐसी चीजें आनी, गुस्सा आए, अचानक से ऐसी चीजें आनी सामने कि हम शरीर के अनुसार चले। पर मुझे, मैं समझ जाता हूं कि नहीं, ये अब चेक कर रहा है प्रभु, ये चीज जानबूझ के आ रही है, अगर मैं उनमें पास निकल जाऊं तो वो मुझे पावर देता है। हालेलुया। यही सीक्रेट है आत्मा में बढ़ने का। हालेलुया। वो आपके आत्मा के फल, जब आप आत्मा से भरोगे, आपको तंग करने वाली चीजें आएंगी, घर जाओगे आप, घर जाते ही आपका बापू डंडा लेके बैठा होना बाहर, आ सही तू, फोन आने शुरू होने, और वो आप देखेगा आप कैसे सामना करते हो।
आप मतलब आत्मा के बाद आप कैसे करो, आपकी पत्नी आपको गुस्सा दिलाएगा, आपका पति आपको गुस्सा दिलाएगा, जानबूझ के ये घर में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप चेक किए जाओगे। कई बार आपके टेस्ट होते कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो उसमें। फिर आपने देखा कि मैं पहले शरीर में था, वो उसे ऐसे हैंडल कर रहा था, अब मुझे इस हालात को हैंडल करने का तरीका अलग है। इसका मतलब आप जान जाते कि मैं आत्मिक दशा में हूं। और उसके बाद जब आप आज्ञा को मानते हैं, फलों फल आज्ञा है प्रभु की, कि इस समय प्रेम दिखा, इस समय सहनशीलता दिखा, इस समय धीरज दिखा, इस समय नम्र हो जा, इस समय विश्वास में खड़ा हो जा। जब आप डर जाते हैं, विश्वास नहीं दिखा पाते, तो आप में वो बना नहीं रह पाता, वो आप में बना नहीं रह पाता। पर जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो आप में और आप उसमें बने रहते हैं। यही रिलेशनशिप प्रभु चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पढ़ेंगे आगे फीसिया कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाके बलवंत होते जाओ। उसकी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाके बलवंत होते जाओ। परमेश्वर ने हमें यह वरदान दिया है कि हम उसकी आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमारा अंदरूनी मनुष्य सामर्थ पाता है और बलवंत होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन जो अंदर बैठा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और आत्मा हमें वास करता है तो हम उसमें बलवंत होते हैं। हाँ, वो अंदरूनी आत्मा हमारा, जो अंदर हमारा विवेक है, वह मजबूत हो जाता है। भीतरी मनुष्य सामर्थ पाके बलवंत होता जाता है। कहता है बलवंत होते जाओ, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। मसीह के उस प्रेम को जान सको कि जो सारे ज्ञान से परे हैं, कि लोग ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढते, ज्ञान किताबा पढ़ पढ़ के अरे मसीह का प्रेम पूरे ज्ञान से परे है जी, आपको ऐसे नहीं मिलेगा जो उसकी दया से मिलता है। जितना मर्जी खोज कर लो, जितना मर्जी किताबा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मसीह का प्रेम को जान सको जो सारे ज्ञान से परे, ये ज्ञान से परे, जिसको वो प्रेम मिलता है वो ज्ञान में नहीं आपको मिलेगी। जो बातें आपको आत्मा में मिलेंगी वो केवल ज्ञान से ना मिलेगी, वो आत्मा में, आत्मा वो बातें जानता जो परमेश्वर ने हमें दी। तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, सारी। वो चाहता है भरपूर होते होते अंदरूनी मनुष्य में परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण हो जाएं, आत्मा हमारे से यही चाहता है। और 20 आयत में लिखे हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अगर ये आत्मिक ऐसे इन वचनों को बार बार पढ़ के देखना, अभी लिख चुके हो आप, घर जाके से बार बार पढ़ के देखना, आपकी वो बिनती, और जब ऐसी आत्मिक दशा में आप चलना शुरू हो जाओगे तो वो आपकी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हम में कार्य करता है। किस सामर्थ्य के द्वारा? जो हमारे अंदर पैदा हुई थी, अंदर जो अंदर पैदा हुई थी पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप के द्वारा, आत्मा के फलों में आज्ञाकारी में चलने के द्वारा, केवल प्रभु प्रभु कहने से नहीं, आज्ञा मानने के द्वारा, आत्मा के गवाही चलने के द्वारा, जो सामर्थ्य पैदा हुई उस सामर्थ्य के द्वारा कहता है वो तुम्हारी बिनती और समझ से कहीं अधिक तुझे दे सकता है। इस सामर्थ्य में बढ़ो तो आपको बिनती और समझ से कहीं अधिक दे सकता है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे हम इसे, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इफिसियां 5:17 से लेके 21 तक, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आपको निर्बुद्धि नहीं होना, और आत्मा आपको निर्बुद्धि नहीं होने रहने देता। आप ध्यान से समझ पाते हैं प्रभु की इच्छा क्या है जब आत्मिक अगुवाई में आप चलते हो। कहते ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, इसीलिए तो आत्मिक अगुवाई में प्रभु चाहता है आप चलें सबसे अधिक। जब ध्यान से जान पाए प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान कौन है? बहुत ध्यान ऐसे लगा के वाला नहीं, मानसिक ध्यान नहीं कि आप ऐसे लेके बैठ जाओ, मैं की कर रहा, कदों कर रहा, कितने बजे कर रहा, एक जुक्ति और प्लान। ये आत्मिक ध्यान की बात कर रहे हैं। और कैसे आप प्रभु की इच्छा को आप जान पाएंगे आत्मा से परिपूर्ण होके? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहते आत्मा से भरना होगा तुझे, बार बार परिपूर्ण होते जाओ, बार बार भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है जब आप यीशु को प्रभु एक्सेप्ट कर लेते हो, पर उसकी भरपूरी चाहिए आपको, वो बसना चाहिए अंदर अधिकताई से, आत्मिक घर बनना पड़ेगा, उससे बार बार परिपूर्ण होना पड़ेगा। कई बार मसा एक व्यक्ति के अंदर रहता है, कहता है जो मसा तुम में किया गया है वो तुझ में बना रहता है। मसा बना रहता है, उसे यूज करने के लिए आत्मिक पावर चाहिए होती है। समझ रहे ना?
मसा बना होता है, गिफ्ट बने होते हैं, उसे यूज करने के लिए आत्मिक एनर्जी, आत्मिक बूस्ट, आत्मिक पावर चाहिए होती है। तो आपके अंदर आपने कुछ खो नहीं दिया, जो आपने पाया है वो आप में है, जो उसने आपको दिया हुआ अगर कुछ उसे यूज करने के लिए भाई, वो सपनों की ताकत हो सकती है, सपने देखने की, दर्शन देखने की, कोई भी आत्मिक गिफ्ट हो सकते हैं आपके पास, सुसमाचार सुनाने की ताकत, अधिकार के आपने कितनी रूहें बचा ली, पर अब आप ढीले हो चुके, वो वरदान नहीं वापस चला गया, वो पावर नहीं चलेगी, सिर्फ आत्मा से परिपूर्ण होना बाकी है। जब आप परिपूर्ण होंगे फिर से आप वही उसी तरीके से यूज होने शुरू हो जाओगे। हालेलुया, ये भेदों को आप समझना है, इसीलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे परिपूर्ण होते आत्मा से, आपको पता है 19 आयत में लिखा है कि आपस में भजन और कीर्तन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत भजनों से, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, गाते रहो, भजन करते रहो, और आराधना में परमेश्वर को महिमा देने के द्वारा स्वर्ग से फायर को रिसीव करो अपनी लाइफ में, आत्मिक ताकत को रिसीव करो। हालेलुया, फायर को रिसीव करो, आत्मिक आत्मा से परिपूर्ण होना रिसीव करो। 20 आयत में लिखे और सब बातों के लिए परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु के नाम से पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। पिता का धन्यवाद करते रहो, मसीह के डर से एक दूसरे के अधीन रहो, मसीह के भय से, मसीह का भय परमेश्वर का डर होना चाहिए, पर रहना एक दूसरे के अधीन को बोल रहा है। वो किसके अधीन की वो बात कर रहा है, बाइबल में लिखे अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो, उनको उल्ट के जवाब ना दो, अपने अगुओं के अधीन रहो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मतलब जहां जहां भी तुझे अगुआ दिया है, तेरे ऊपर कोई बंदा दिया गया है तेरे किसी भी डिपार्टमेंट में, मसीह के भय से, किसके डर से, मसीह के भय से, अगुए के डर से नहीं, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, उन्हें उल्ट के जवाब ना दो। तो जब आप मसीह फिर भी आपको किसी क्षेत्र में रखता है ताकि जो आपके फल परखे जाए, आपको वो परख सके और फिर आपको वो बढ़ा सके। हालेलुया, कहते हैं मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। जब आपको एक चर्च प्रभु इसलिए देता है कि उस अधीनगी में आप कोई वो ग्रोथ कर सके, आपको वो बढ़ा सके, और मसीह का डर अगर आपकी लाइफ में होगा तो आपको अधीनगी में रहना आ जाएगा। कई लोग अधीनगी में नहीं चल पाते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर मसीह का डर नहीं होता। जब डर होता तो आप अधीनगी में चल पाते, क्योंकि मसीह ये चीज आपके लिए रखी होती है प्रभु की इच्छा के अनुसार। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। और तुम गलातियों 4:6-7, और तुम जो उसके पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। अपने पुत्र के उस आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। पुत्र गया, यीशु गए और आत्मा को भेजा, हमारे हृदय में भेजा, और उसके द्वारा कौन सा संबंध हमें पिता के साथ प्राप्त हुआ। 7 आयत में लिखा है, इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब तुम पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। हालेलुया, अब आप दास नहीं हो, आप उसके पुत्र हो, आप गुलाम नहीं हो, अब आप उसके पुत्र और पुत्रियां हो, जिससे ए अब्बा कहकर हम उसको पुकार सके, पुत्र और पुत्रियां। देखो, उसने दास नहीं, गुलाम नहीं, हमें बेटे बेटियां बनाया है। किसके द्वारा? उस पवित्र आत्मा के दिए जाने के द्वारा। कहते मैं तुझे दास नहीं बेटे बेटियां बनाता हूं। आगे लिखे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। आत्मा सब बातें सिखाएगा, सब बातें। कौन सा आपका प्रेयर पॉइंट है, कौन सा आपकी कंफ्यूजन है, कौन सा आपका विषय है, जब आप आत्मा की अगुवाई चलेंगे, सब बातें, हर क्षेत्र में, हर हिस्से में, आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, हर हिस्से में सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण भी कराएगा। और 27 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। संसार कैसे शांति देता है? आ जाओ कुमण चलिए,
आजा फिल्म देखने चलिए, आजा गेड़ी मारने चलिए, आजा अपन ना ये करिए वो करें, आजा हम नशा करिए, एक लगा के देख पैग, ला के देख एक सूटा। संसार ऐसे खुशी देता है गलत कामों में, शरीर के कामों में, गंदे कामों में। कहते जैसे संसार खुशी देता है, मेरी खुशी ऐसी नहीं है। तो क्या आप उस शांति को लेना चाहते हैं जो प्रभु आपको देता है, जो संसार नहीं दे सकता, कोई चीज नहीं दे सकती, उसी को अपनी लाइफ में प्राप्त करना है। इसीलिए परमेश्वर सबसे अधिक ये चाहता है कि आप आत्मा की अगुवाई में चलें और आप ये सब चीजें प्राप्त कर पाओ। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।